छात्रों को पारंपरिक पकवान से परिचित कराने के उद्देश्य से तालुका के किरण में विकास विद्यालय में स्काउट गाइड द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके पकवान तैयार करने की एक अभिनव पहल की गई। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में चाहे शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, प्राकृतिक चूल्हा और उस पर बनने वाला भोजन दुर्लभ होता चला है और इसकी मांग भी बढ़ गई है। पारंपरिक पकवान को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके पकवान बनाने की एक अभिनव गतिविधि लागू की गई। इसमें छात्रों ने बड़ी संख्या में इस गतिविधि में भाग लिया। गाय के गोबर की गोबरी को उसे चूल्हे पर जलाया और पान के रोटी भरी और चटनी बनाई और वो भी बिना किसी बर्तन का उपयोग किए। स्वादिष्ट भोजन के स्टॉल लगा गए और पड़ोस के पत्तों की पत्राल में भोजन दिए गए। इस अभिनव पहल को सफल बनाने में स्काउट गाइड शिक्षक योगेश पाकड़े, ललित खांडे, सूरज टिपले, विशाल ठाकरे एवं विकास विद्यालय गिरड़ के प्राचार्य शरद दास, आतिश देवतड़े, उमेश वानीसर, प्रदीप खामनकर, हरिहर झाड़े, संदीप महाकाली, मनीष शिरसिरकर और पूजा अग्निहोत्री ने सहयोग किया। इस गतिविधि में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। इनबीसी न्यूज के लिए हिंगन घाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।